महाविष्णु सद्गुरु ज्ञानेश्वर देवताभ्यो नमो नमः फलार्थे श्रीफलम समर्पयामि नमस्करोमि आरार्थी प्रतिज्ञं दर्शयामि उत्तर निरांजन एक मिनट अर्ति ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा सेवि साधु संतो मनु मिथिला माधा अर्ति ज्ञान राजा लोपले ज्ञान जोगी तो नेति गुणी अवतार पांडुरंग नाव छविले ज्ञानी अर्ति ज्ञान राजा महाकैवल्य तेजा सेवि साधु संतो मनु मिथिला माधा अर्ति ज्ञान राजा प्रगट कुय बोले विश्व ब्रह्म चिकेले राम जनार्दनी चरणी मस्तकड़ विले अर्ति ज्ञान राजा महारम मुजगेन्द्र हरम सदा वसंत मृदय अरविंदे भवम भवामी सैतन नमामी कर्पूरारार्तिक्यम दर्शयामी इतनी अच्छी है उसके बावजूद यहाँ पे लेडीज बार को जो परमिशन दिया उसके बारे में क्या है? डांस बार, डांस बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, डांस बार शुरू करो सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है तो इसमें अश्लीलता नहीं होना चाहिए। अश्लीलता के बिना अगर कोई संस्था इस प्रकार का प्रदर्शन करती है तो उसमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होना चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, सर पिछली बार जब आए थे तो आप सिक्योरिटी पे ऑर्डिनेंस लाया जब जबकि भवन के अंतर चर्चा होनी चाहिए थी, तो होगी ना चर्चा? होगी। ऑर्डिनेंस का मतलब यही है कि जब सदन सत्र में ना हो, और चूंकि हमें हम चाहते हैं कि बहुत दिन तक इसको लटका दिया गया है, इस देश के करोड़ों लोग आज ऐसे हैं जिनको दो टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, उनको गारंटी अब कानून में दी गई है कि आपको इतना अनाज दिया ही जाएगा, और अगर नहीं दिया गया तो ये सरकार की जवाबदारी होगी कि वो इसको व्यवस्था करे, और अनाज नहीं दे पाएंगे तो आपको पैसा पूरा दिया जाएगा ताकि आप अनाज खरीद सकें। पास हो पाएगा बिल, आपको लगता है? निश्चित तौर पे। अगर करेंगे आपको जी, क्योंकि आंकड़े तो नहीं है ऐसा नहीं है। देखो बात साफ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लोकसभा में कौन ऐसी राजनीतिक दल है जो कहेगा कि गरीबों को अनाज नहीं मिलना चाहिए? कोई है ऐसा दल? पास कर होने में क्या दिक्कत है? फिर डायरेक्टली पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया? सर लाना या था, कई बार लाए, लेकिन पार्लियामेंट चलने कहाँ देती है बीच पे बीजेपी? हमें तो उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर उनमें विठोबा भगवान को सद्बुद्धि दे तो हो सकता है, हो सकता है चल जाए। सर लोकपाल की चर्चा कहीं भी नहीं दिख रही है। लोकपाल ला रहे हैं, लोकपाल लोकपाल बिल तो लाओ। लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस है लेकिन पास हो पाएगा? अन्ना जी फिर से 2 अक्टूबर से बैठने वाले हैं दिल्ली में। अन्ना जी केवल यूपीए सरकार के खिलाफ लोकपाल बिल की का आंदोलन करते हैं, गुजरात में आज भी लोक आयुक्त नहीं है, वहां कभी आंदोलन नहीं करते। आज हम लोग जो हैं लोकपाल, एक सख्त को लोकपाल बनाने के पक्ष में हैं। लोकसभा से हमने पास करा दिया था, भाजपा ने उस लोकपाल बिल का विरोध करके उसको पास नहीं होने दिया, उसके बावजूद भी उनके साथ बैठकर जो भी उसमें कमी बेशी थी स्टैंडिंग कमिटी से रिकमेंड होके लोकपाल बिल वापस। आप कमिट करते हैं देश को कि आप 100% से पहले लोकपाल आएगा? अगर ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट चलने दी और अच्छा लोकपाल बिल का समर्थन किया तो बिल्कुल लोकपाल बिल आ जाएगा, कानून आ जाएगा, मानसून में आएगा, विंटर सेशन में आएगा, इसी सदन में आ जाना चाहिए, सत्र में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बड़े साहब चाय पिलाइए। कांग्रेस रोक नहीं पा रही, जनता रोकेगी। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस मोदी जी से डरती है, क्या? कौन कहती है? बीजेपी कहती है। और अडवाणी जी किससे डरते हैं? हो गया, थैंक यू। प्री पोल के बारे में एंटनी साहब जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है, और वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज से बातचीत करके ही उसमें प्री पोल अलायंस
का निर्णय कांग्रेस पार्टी करेगी। कहा था कि कांग्रेस को ही पीएम जी का उम्मीदवार पहले। ऐसी परंपरा कांग्रेस पार्टी में नहीं रही है, किंतु पिछली बार लोकसभा चुनाव के एक महीने पहले इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज पर सोनिया जी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को डिक्लेयर किया था। ये सारा निर्णय तो हाईकमांड लेता है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हैट्रिक कर सकते हैं मनमोहन सिंह जी। ये जनता पे निर्भर करता है कि हमको मौका दे, और उसके बाद हाईकमांड पे, सोनिया जी पर और संसदीय दल पर ये निर्भर करता है। सर, मोदी जी की ट्रेन छूटी है पूना नागपुर। पहली बात तो सेक्युलरिज्म की परिभाषा भाजपा की क्या है? सेक्युलरिज्म की परिभाषा नरेंद्र मोदी जी की क्या है, उसको उन्होंने व्यक्त करना चाहिए। मैंने अपनी साधारण बात में कह दी, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, यही सांप्रदायिक सद्भाव और सेक्युलरिज्म है। और मैंने उसको प्रैक्टिकल रूप में बताया, वो हिंदू जिस पर मुसलमान भरोसा करे और वो मुसलमान जिस पर हिंदू भरोसा करे वो सेक्युलर है। लेकिन आपको लगता है इससे पोलराइजेशन नहीं बढ़ेगा? जो बात पोलराइजेशन तो नंगे कम्युनिज्म की बात करते हो जी, अब जो कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी कि वो बुरका वाला सेक्युलरिज्म अच्छा है, नंगा कम्युनिज्म, मैं उस बात के नहीं कहता। मैं कहता हूँ कि सेक्युलरिज्म की परिभाषा हमें तय करनी पड़ी। डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म हैज टू बी डिफाइन, और उसका सबसे साधारण बात यही है कि सर्वधर्म संभाव, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम स्टेट रिलीजन है, हिंदुस्तान में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। आज देख रहे हैं वहाँ स्टेट रिलीजन हुआ पाकिस्तान में, और आज हालत वहाँ देख रहे हैं क्या हो रही है। इसलिए इस देश की शक्ति है अनेकता में एकता, सभी धर्मों को साथ लेकर जो चलेगा वही देश को आगे बढ़ा पाएगा। नरेश कलमाड़ी जी का समर्थन किया था खुलेआम, तो मैं आज भी करता हूँ। आपका ये मत कायम है? मैं आज भी करता हूँ। उनको देना चाहिए कांग्रेस में? वो मैं नहीं कह सकता। सर, प्री पोल के बारे में कुछ बातें